बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल spy.com। और आज पहली वीडियो है जो मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ। और आज से पहले तो आपने मेरी आवाज़ से मुझे पहचानते होंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, और कभी मैं सामने नहीं आया। और मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें लाऊंगा जो ऑनेस्ट भी हों, जिनका रिव्यू मतलब जिससे जो आपके काम आ सके। तो आज तक जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं वो सारी जो हैं वो कुछ फेक वेबसाइट्स की थी, कुछ लोग ऐसी वेबसाइट अपनी प्रमोट कर रहे थे तो मैंने उन पे काम किया। तो फाइनली बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी कि आप बता दें फिर ऑनलाइन अर्निंग का तरीका। तो आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हमेशा सवाल करते थे कि आप हर वेबसाइट को कहते हो फेक है फेक है फेक है, आप ओरिजिनल बता दो। तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी वेबसाइट जो है ना, ऐसे क्लिक कर दो पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे वो मिलेंगे, यूट्यूब भरा पड़ा, कोई वेबसाइट ऐसे पे नहीं करती। आपको कुछ सीखना पड़ता है ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में, कुछ स्किल सीखने पड़ते हैं। स्किल सीखने के बाद जब आप जाके वो चीज सेल करते हो फिर आपको ऑनलाइन अर्निंग होती है। तो इसी सिलसिले में आज एक मेरे पास एक सक्सेस स्टोरी है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। ये है उसामा भाई मेरे साथ, ठीक है। और ये इनका ऑनलाइन अर्निंग का जो एक सफर था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की, ये सारी चीजें जो है वो ये आपको खुद बताएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें सारों को, अपना बैकग्राउंड बता दें, और फिर जो है हम लोग आगे आपसे सवाल करेंगे मुख्तलिफ, तो आपने उनका जवाब देने हैं फिर आपने। मेरा नाम उसामा है, ठीक है। मैं बिलोंग करता हूँ आज़ाद कश्मीर से। रिसेंटली मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, अभी मैं बैचलर्स में हूँ, बैचलर्स के लास्ट सेमेस्टर में हूँ। और ये मेरा इंट्रोडक्शन है शॉर्ट सा। अच्छा जी, जैसा कि मैंने कहा कि ये हमारे टीम लीड भी हैं और इन्होंने तारुफ भी करवा दिए, अभी बैचलर्स के लास्ट सेमेस्टर में आप? जी, मैं लास्ट सेमेस्टर में। और इनके पास इन्होंने कितना हैवी प्रोजेक्ट, माशाल्लाह से इतना हैवी प्रोजेक्ट उठाया है कि एट मिनी मैक्सिमम हमारे पास अभी जो सिर्फ ऑफिस में आके लोग काम करते हैं 70+ हैं, और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट पे हमने मुख्तलिफ जो फीमेल्स थी खास करके, उनके लिए बड़ा इशू होता है ऑफिस से आने का, तो हमने उनको छोटी मोटी ट्रेनिंग्स दी इन्होंने, ठीक है, खुद सिखाया, फ्री में सिखाया, और अब वो घर में बैठ के सारा काम कर रहे हैं। तो हम उसके बारे में आता ऐसा इनसे सारे सवाल पूछेंगे, आपको भी बताएंगे आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे काम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है हम इनसे ये पूछते हैं कि जी इनका ये जो फील्ड है वो क्या है, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, ये क्या काम करते हैं, क्या सिखाते हैं। तो आप अपने जर्नी के बारे में बताएं कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ इस फील्ड में ऑनलाइन अर्निंग की, और अपनी आपकी फील्ड क्या है, आप करते क्या है असल में। सही है। अच्छा मुबशर भाई, जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, मैंने सबसे पहले द्रास से काम स्टार्ट किया था। द्रास से मैंने सेवन बेसिकली आप कह रहे हैं कि ई कॉमर्स का जी जी ई कॉमर्स की जो मेरी जर्नी थी वो मेरी द्रास से शुरू हुई थी। दरअसल मुझे एक टूल चाहिए था अपने बाइक के लिए, मैं उसको सर्च कर रहा था फेसबुक मार्केट प्लेस में और इस तरह, तो मुझे एक टूल नजर आया और जो था बाइक के लिए टूल, जो आप उसकी चैन वगैरह मेंटेन रखते हैं, इसके बाद आप शीशा कभी लूज हो जाता है तो उसको टाइट करने के लिए, तो मैं उसकी तलाश में था कि मुझे कोई इस तरह का टूल नजर आए ना, मिले तो मैं ऑर्डर करूँ। वहां मुझे एक टूल नजर आया तो वो मुझे रेट में काफी मुनासिब नजर आया, तो मैंने सोचा अगर ये मुझे ये चीज गलत है तो और लोग भी होंगे जिन्हें ये चीज ना उनके काम आ सकती है। सही। तो रेट क्योंकि वहां पे मुनासिब था तो मैंने वहां का जो सेलर था उससे मैंने रابطہ किया, मैंने पूछा कि यार इसमें अगर मुझे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए हो तो आप कितने में दे सकते हैं, तो उन्होंने काफी अच्छा रेट कोट किया। तो फिर वहां से मुझे एक आइडिया आया कि मैं इसको दराज पे सेल करना शुरू करूँ। तो मैंने उसके बाद YouTube से देखना शुरू किया कि द्रास का किस तरह से अकाउंट बनता है, ठीक है, प्रोसेस क्या है, फुलफिलमेंट किस तरह से होती है, ठीक है। तो उस तरह मैं उसको लेके गया, मैंने अकाउंट बनाया कोई, उसके बाद फिर मैंने अकाउंट के अंदर ही जो थी इंफॉर्मेशन के बाद अकाउंट लगाना था बैंक का अकाउंट, तो वो मैंने बैंक का अकाउंट बनाया, उसमें मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। फिर अकाउंट अटैच करने के बाद मैंने फर्स्ट लिस्टिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह कोई लिस्टिंग करने के एक वीक के बाद मेरी वो प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गई। ये आप लोकल ई कॉमर्स की जी बात, लोकल ई कोई आपने इंटरनेशनल ई कॉमर्स की बात, आपने स्टार्ट लोकल ई कॉमर्स से सेल्फ बेस पे, मतलब खुद से लर्न करके लिए, तो ये चीज है। यहाँ से आप अपने सफर का आगाज करने का सोच सकते हैं। ये मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दराज में अभी सेल करें, जो अभी उन्होंने प्रोजेक्ट उठाया हुआ है वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें, लोगों को ये मसला होता है स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये इनका स्टार्ट था, ठीक है। तो अच्छा दराज के बाद फिर आपने क्या किया उसके बाद? अच्छा दराज में मैं काम कर रहा था, मैंने एक प्रोडक्ट के साथ से कुछ एक दो प्रोडक्ट्स मजीद ऐड की, उनकी लिस्टिंग की, अच्छा उनपे भी मुझे अच्छा रिस्पांस आया, ऑर्डर्स आना शुरू हुए, इंप्रेशन शुरू, स्टैट्स अच्छे आने शुरू हुए। तो उसी टाइम फ्रेम के दौरान मुझे
हमारे इधर घर के नज़दीक ही इंस्टीट्यूट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रावलपिंडी में ही, तो वहाँ पे एक कोर्स ऑफर हुआ टाटा आज़ाद कश्मीर की तरफ से। अच्छा, वो एक अमेजोन बीए का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ऑफर कर रहे थे, जिसमें जो स्पॉन्सर सारा वो जो जितना भी था वो सारा इन्हीं की तरफ से था, टाटा आज़ाद कश्मीर की तरफ से। ये फ्री कोर्स था आपके लिए? जी जी, ये फ्री कोर्स था। हाँ, अभी अभी मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताता चलूँ कि ये फ्री कोर्स था, ये नहीं है कि आपने इनका जर्नी जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो लोग मार्केट में बैठे हुए 80-80 और 90-90 हजार के कोर्स करवा रहे हैं, उनके बच्चों की अगर कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी किसी के पास है ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ मेरे पास लाए। और ये एक बंदा जिसने फ्री कोर्स किया है, मैं कहता हूँ कि आपने लर्निंग का होना चाहिए आपके अंदर, अगर ये चीज आप लर्न करना चाहते हैं, आपके अंदर एक जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फ्री कोर्स से इनका जर्नी अमेज़न का स्टार्ट हुआ। अच्छा, फिर आपने इसके बाद कोर्स मैंने एनरोल कर दिया। अच्छा, तो क्लासेस मेरी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे वीक में हमारी होती थी 3 डेज की क्लास होती थी, और हमारे जो टीचर थे और मेंटर मैं कहूँगा अमेज़न के, वो सरफराज थे, तो उन्होंने वहाँ से कोर्स स्टार्ट हुआ। अच्छा, उसमें ये था कि मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी साथ होती थी, तो वो था कि डे में स्टार्ट होती थी 12 बजे, तो सुबह के टाइम में आके क्लासेस स्टार्ट करता था। जबरदस्त, तो क्लास लेता था, वीक में 3 डेज की क्लास होती थी, 3 मंथ का हमारा ये कोर्स चला। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला सरफराज को। मेरा जो ई कॉमर्स की जो जर्नी में मेन जो सक्सेस का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वो सरफराज है, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। तो अच्छा, फिर कोर्स के बाद आपको कितना टाइम लगा क्लाइंट हंट करने में, आपको क्लाइंट मिले, आप मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपने कोर्स किया और फिर बस वो एक घूमते फिरते रहे, आपको क्लाइंट नहीं मिला, और मतलब अब आपका जर्नी फिर कैसे स्टार्ट हुआ, कितनी देर लगी? और ये भी लाजमी होता है कि क्या ये शॉर्ट टर्म गोल है, क्या आपने ई कॉमर्स 2 दिन में सीखी, जैसे वो कहते हैं जी के महीने में 1 लाख रुपए कमाओगे, महीने में 4 लाख कमाओगे, क्या ये इसमें कोई हकीकत है, या इसमें टाइम लगता है थोड़ा? इसके ऊपर लाजमी आपने करना है कि मंजन बेचने वालों का पास मैंने जो चीज देखी है ना, वो कहेंगे जी 1 महीने के अंदर ना 5 लाख रुपए आप कमाओगे, ऐसा कोई सीन है इसमें? अच्छा, मैं थोड़ा इसमें बताता हूँ आपको। जब हम क्लासेस ले रहे थे तो जो हमारे मेंटर थे वो हमें साथ साथ कहते थे, जो चीज़ आप सीख रहे हो, आपने आज एक स्किल सीख ली है अमेजोन में, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग से लेके प्रोडक्ट सोर्सिंग, PPC, उस तरह के सारे जो है अलग अलग जो है आपकी सर्विसेज हैं। अच्छा, वो जब सर्विस एक कोई सिखाते थे, एक आप समझ लेंगे प्रोडक्ट हंटिंग सिखा ली उन्होंने, तो वो कहते थे आप इसको सेल करना सीखो, आप ऐसा प्लेटफॉर्म देखो कहाँ पर ये सेल होगी। तो उसमें उनका फोकस था कि आप फाइबर से स्टार्ट करो, क्योंकि फाइबर में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आप लीक लगाते हो और आपका जो है ना एक पोर्टफोलियो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो अच्छा, वो फिर हम जो चीज़ सीखते हैं, जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग सीखी, तो हम जाके मैं जाके गिग लगा देता था उस पर, उसमें कोई मतलब ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं करता था, गिग लगा देता था, तो उस पर तो मुझे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो हमारा कोर्स भी हो गया, कम्प्लीट हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ से चले गए हम इंस्टीट्यूट से जहाँ से हमने काम सीखा था। उसके बाद मुझे सेमेस्टर ब्रेक आया, तो मैं फ्री था, तो फ्री में मैंने सोचा कुछ काम करते हैं, तो फिर मैंने सोचा यार मेरे पास, मैंने खुद को थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू किया कि मेरे पास क्या स्किल्स हैं। अमेजोन मैंने सीखा हुआ था, मैंने सोचा यार इसको ना अब कहीं पे हम सेल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फाइबर था जो स्टार्टिंग था, वो फाइबर। अच्छा, आपने मतलब फाइबर से स्टार्ट किया? फाइबर का। अच्छा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंसेज का है, तो SEO का थोड़ा मुझे नॉलेज था कि SEO होती है, वेबसाइट को रैंक करते हैं, तो मुझे साथ में ये नॉलेज भी था कि जब हम गिग बनाते हैं तो वो आपकी एक वेब पेज बनता है, उसका एक URL क्रिएट होता है, तो वहाँ से मेरे सामने आया कि अगर वेब की SEO है तो इस तरह फाइबर की SEO भी होगी। मैंने उसके बारे में सर्च करना शुरू किया, तो सबसे पहले उसके बाद मैंने जो है फाइबर की SEO स्टार्ट की। अच्छा, ठीक है, यूट्यूब से सीखा और अप्लाई करना शुरू किया। ठीक है, मैंने पहले फर्स्ट मेथड, एक मेथड लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच छह मेथड्स लगाए, और उनमें से एक जो है मेरा वो सक्सेसफुल चलना शुरू हुआ, उस पर मेरी जो अगीक थी वो रैंक होना शुरू हो गई, वो शुरू के पेज में आना शुरू हो गए। ठीक है, अच्छे इंप्रेशन आना शुरू हो गए, और तकरीबन 1 वीक के बाद मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया जो है फाइवर। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि फाइवर पर लोग तो कहते हैं ऑर्डर नहीं आता, हमने गिग्स बनाई है सालों हो गए, काम नहीं मिल रहा, कंपटीशन है, और खासकर अमेज़न VA की अगर मैं जाके सर्च करता हूँ तो हजारों में गिग्स आती हैं। तो जैसा आपने एक पॉइंट बताया कि इसमें SEO करनी पड़ती है, मतलब आपको अपना फाइवर अकाउंट ऑप्टिमाइज रखना है, प्रॉपर तरीके से करना है, ये नहीं है कि बस गिग बना दी और आपने लगा दीजिए अब ऑर्डर आएगा, ऐसे नहीं है, उसके लिए आपको अपना 100% देना है। मतलब
अच्छा शुरू में ये था कि आप एक अप्रोच लेके चलें कि अगर आप फाइवर पे एक वैसे लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि जो न्यू सेलर है उसके लिए वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल है, उसके लिए ऑर्डर लेना मुश्किल है, लेकिन आप ये जहन में रखें अगर आप न्यू सेलर हैं फाइवर पे, न्यू आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, सर्विसेज दे रहे हैं आप, कई ऐसे लोग होंगे जो खुद वो न्यू है और वो जो है ना उन्हें सर्विस रिक्वायर्ड है वहाँ पे, ठीक है, वो भी मतलब अमेजोन का अकाउंट किसी ने बनाया, वो न्यू सेलर है अमेजोन पे। अब वो ये नहीं देखेगा आगे कि मुझे कोई प्रोफेशनल बंदा ही मिले, हो सकता है कि वो आप भी न्यू सेलर हो, वो भी न्यू न्यू भी सेलर लेना हो चाह रहे हो। और वो आके न्यू आप सेलेक्ट कर ले। अच्छा आप मेन पॉइंट पे आते हैं, काफी टाइम लंबी वीडियो होगी, आप जिस पॉइंट के जी इंतजार में जी उस करते हैं, आपने जो आपकी मेन सक्सेस स्टोरी है जिसको जी मैं जानता हूँ, यहाँ ऑफिस में बैठे हुए जी सर 70 आदमी जानता है, ठीक है ना कटते हुए भी इन्होंने जो फाइबर से अपना एक ऑर्डर उठाया है, वो मैं अब वही बात है, बात आपको मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ। इनकी कोई पुरानी गिग नहीं थी, मतलब सिर्फ इन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की, उसकी काम किया सीरियस होके। तो यहाँ पे आपको लगता है कि 70 बंदा एंगेज हुए है, कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, तो इनने माशाल्लाह से कोई 5 से 7 करोड़ का ऑर्डर जो है इन्होंने फाइबर से लिया है, मैं जी सही कह रहा सही हूँ? फाइबर से बिल्कुल आप इसके बारे में आप बताएं कि क्या ऑर्डर है, और इसमें मतलब पूरा आपके पास पूरा ये आपका जो आपने सीखा है वो पूरा कोर्स आपका इस पे यूटिलाइज हो रहा है, कि उसके अंदर से कोई पैचेस हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? फिर अगर अच्छे से सीख ले, लाजमी नहीं है कि उसके पास अमेज़न की पूरी इन्वेस्टमेंट होगी पूरा, तो उसके अंदर पैचेस हैं जो अगर वो सीख ले तो वो सर्विस भी जैसे आपने कहा आप सेल कर सकते हैं। सही तो ये इतना बड़ा ऑर्डर कैसे आया, और इस ऑर्डर की आप स्टोरी बताएं जो आपका मेन पॉइंट है। अच्छा इसमें जो ना फाइवर पे मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला था वो 10 डॉलर का था, और वो एक अच्छा लिस्टिंग का था, प्रोडक्ट लिस्टिंग का। तो जब मुझे फर्स्ट ऑर्डर आया तो मैंने सर से, जो मेरे मेंटोर थे उनसे मैंने रब्ता किया, उनको बताया कि जो है ना आज मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला है, ठीक है, उसका क्रेडिट आपको जाता है उस तरह। तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया कि आप आए ऑफिस में मुझसे मिलने के लिए। तो मैं उनसे आया ऑफिस में मिलने, तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा फ्री हूँ आज का, तो फाइबर पे काम कर रहा हूँ उस तरह से, SEO कर रहा हूँ फाइबर की। तो उन्होंने कहा कि आप ऑफिस में आके काम करें, तो साथ में जो चीज़ आपने सीखी है वो स्टूडेंट को सिखाएं। तो साथ साथ में जो है उस ऑर्डर के बाद मुझे कुछ मजीद ऑर्डर आना शुरू हो गए, 15 डॉलर 20 डॉलर थे, और तकरीबन 1 मंथ के बाद यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन करने के 1 मंथ के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा ऑर्डर आया बहुत मैच अमाउंट में जी, ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो था लिस्टिंग का ऑर्डर था, ठीक है, उसके लिए फिर जो है सर सर के साथ मैंने सर को बताया किस तरह का ऑर्डर है फाइबर के ऊपर, तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो उनके साथ मिलकर फिर हमने स्ट्रेटजी बनाई, उसके लिए बंदे हम जो और स्टूडेंट थे उनके, उन्होंने उनको भी बुलाया, इंगेज किया इस काम के अंदर, ठीक है। उनको फिर हमने सबसे पहले सिखाया कि आपने काम किस तरह से करना है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेके जाना है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम स्टार्ट किया, और तकरीबन 1 मंथ हो चुका है, अब ये 2nd मंथ स्टार्ट है और उस पर हम काम कर रहे हैं मैं जी। और मुबशर भाई भी हमारे जो है उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, उसी प्रोजेक्ट में हूँ। और ये सारा मैं आपको बताऊं कि ये कोई पूरा अमेज़न का वीएगा नहीं, इसमें पहले उस बंदे ने इनको जस्ट कंटेंट दिया, फिर लिस्टिंग साथ दी, प्रोडक्ट हंटिंग, और करते करते अब उसका जो मैक्सिमम जो उसका टास्क चल रहा है ना वो इस ऑफिस में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों ने सीखा वो जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे उसने काम किया। सिर्फ अगर मंजन सीखा होता उन्होंने तो कभी भी ऐसा ना होता कि एक प्रोजेक्ट इतना छोटे से स्टार्ट हुआ और फिर इतना हाई लेवल पे चला गया। अब माशाल्लाह से हमारे पास इतने बंदे काम कर रहे हैं, कितने लोगों का रोजगार जो है वो इस चीज से चल पड़ा है। अच्छा मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर फर्स्ट ईयर कुछ लोग फाइबर पे काम करते हैं, अगर उनको आप फाइबर सिखाएं, तो क्या आप उनको सिखाएंगे फाइबर ऑनलाइन हो या यहाँ पे आप ब्लॉगिंग सिखा लें, कि लोगों को फाइबर की गिग बनाना ही नहीं आती, उन्होंने स्किल सीखा हुआ है, उनको फाइबर से ना स्किल सीखा हुआ है लेकिन स्किल बेचना नहीं आता। अब तो ये है कि मैं इनसे बात भी करूंगा, मैं अपना ईमेल भी दे दूंगा आपको, आप नीचे ईमेल मुझे कर सकते हैं उस पर, ठीक है। तो अगर आप इनको फाइबर के बारे में सिखा दें, बहुत मिनिमम आपसे चार्ज होगा, जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट बता दूंगा, लेकिन कम से कम जो है वो जो लोग जिन पर स्किल्स हैं वो उसको सेल कर सके, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए स्किल तो हर कोई सीख लेता है, सारी बात है उसको आप सेल किस तरह, ऐसा ही है सारा जो आता है, क्योंकि सेल करेंगे तो आपको अर्निंग होगी। ऐसा ही है तो अब ऐसा है कि फाइबर भी यहाँ पे मैं जिस इंस्टीट्यूट में मैंने खुद काम सीखा है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे फाइबर सिखाता भी हूँ, तो अब मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आती हैं उसके अंदर, वो अगर आप सीख लेते हैं तो आप बेशक अमेज़न आपको आता है या कोई और ग्राफिक्स डिजाइनिंग आपने सीखी हुई है, व्हाटएवर कोई भी स्किल जो आपने वेब डिजाइनिंग आप अगर सेल करना चाहते हैं, ठीक है,
तो वो कोई मुश्किल नहीं है क्लाइंट लेना, ये आप बिल्कुल ना सोचा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगी आपकी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें कोई मुश्किल नहीं है आपका। मैंने जब मुझे मेरा सेम सिचुएशन थी, मुझे लग रहा था फाइबर जो है वो पाकिस्तान के लिए है ही नहीं ना मेरे लिए, लेकिन जब से ये सक्सेस स्टोरी आई और मैंने इस पे काम किया, मैं इनके साथ रहा, मैंने चीजें देखी, तो वो फाइबर सीखना भी एक स्किल है। अब ये चीज कोई नहीं बताता, सेल करना कोई नहीं सिखाता, सिखा देते हैं कोर्स ताकि फिर उसके बाद बहुत सारे मैंने देखे हैं, फिर अपने एक और ऑफिस बनाते हैं, वहां पे अलग चार्जेस होते हैं वहां पे बच्चों को बिठाने के, तो ये एक जो है बहुत ज्यादती होती है मार्केट में। तो मेन चीज ये, अगर आपने कोई स्किल सीखा हुआ है और अगर आप सिर्फ फाइबर सीखना चाहते हैं और उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसकी एसईओ और बाकी चीजें जितनी भी उसकी टेक्निकलिटीज हैं जो भी है, तो उसामा भाई से मैं कहूंगा ये भी टाइम निकालेंगे। हालांकि टाइम नहीं होता, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, ये वीडियो रिकॉर्ड करने का भी हमारे पास टाइम नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैं एक हफ्ते से इनके पीछे लगा हुआ था, और बड़ी मुश्किल से हमने सिर्फ लोगों को बताने के लिए, उसके साथ ये अमेजोन की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, और वो एक क्या कहते हैं कि एनजीओ का वो है एक प्रोग्राम है, उस पे इनको बुलाया गया सिर्फ इनकी ये सक्सेस स्टोरी की वजह से, और ये माशाल्लाह से उनको ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, और वो बच्चे अब इंशाल्लाह तैयार होंगे तो वो भी मार्केट में काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने बच्चों ने कोर्स किया उनको इंटर्नशिप भी ऑफर की गई है, ठीक है। तो अमेजोन का भी जो बच्चे सीखना चाहते हैं, अब आप लोगों को मार्केट भरी मिलेगी, आप कांटेक्ट में रहें, चैनल पर रहें, तो मैं आपके पास वो मास्टर इंस्ट्रक्टर भी अपने जो है हमारे सरफाद जिनसे हमने सीखा है, जिनकी बदौलत आज ये बैठे हुए मैं हूँ और 70 बच्चा बैठा हुआ काम किया हुआ, और हमारे पास और इसके अलावा टिकटॉक शॉप का मैंने आपको बताया था, सर रोहेल हैं, सर अदील हैं, हमारे पास मतलब वो इंस्ट्रक्टर हैं जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, मैं इनसे मुश्किल से टाइम ले रहा हूँ कि किसी तरह आप मुझे टाइम दें और मैं ये चीजें आवाम तक ओरिजिनली पहुँचाऊँ। 60-60 हज़ार के कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ टिकटॉक शॉप के बिक रहे हैं, और मैं यहाँ पे देखता हूँ, मुझे इतना भी पता है वो जो कोर्स बेच रहा है उसके पास अपने टिकटॉक शॉप भी नहीं होगी, वो बस वही यूट्यूब से लेक्चर देखते हैं आगे चिपका देते हैं दोनों के। और मेरे पास जो बंदे बैठे हुए यहाँ पे ऑफिस में जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, लिटरली मैं उनकी डेली की सेल्स अपनी आंखों से देखता हूँ, मैं उनको देखता हूँ कैसे काम कर रहे हैं, लाइव अकाउंट है, वो हर चीज प्रैक्टिकल है। मैं इस चीज से मैं कभी भी गलत रिव्यू नहीं किया किसी चीज का, और ना मैं करूंगा, मेरा यही प्लानिंग है कि ओरिजिनल चीज दिखाऊंगा, और मैं इस इंस्टीट्यूट में या इन सारे बंदों की जिनकी बता रहा हूँ कभी भी ना बनाता वीडियो अगर मैं इनकी चीजें लाइव खुद ना एक्सपीरियंस करता। तो ये सारी आज की वीडियो थी और एक सक्सेस स्टोरी थी हमारे पास फाइबर की भी, अमेजोन के हवाले से भी थी, और आगे फर्दर जो और इंस्ट्रक्टर हैं उनसे मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप बच्चों को ना आप सिखाओ, ये जो मंजिल बेचने वालों से जान छुड़वानी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह की मजीद वीडियोज़ जो हैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।